अभी चाची आएंगी फिर से, अब बाबू आएगा चाची के पास, अब बालकनी में वेट कर रहा है। ठीक है ठीक है, आप उधर से आओ, हम इधर से आ रहे हैं। ओके ठीक है, बाय करना, हम इधर से जाके नीचे से करेंगे। तो यहाँ पे रुद्रांश के चाचा चाची जा रहे हैं, इसलिए ना रुद्रांश बहुत रो रहा है, और चाचा है ना तो चाचा के साथ बहुत मस्ती करता था, बट अब वो जा रहे हैं तो इसलिए वो बहुत रो रहा है। तो वो लोग चले गए हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का बन रहा है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस पे हम लोगों ने ना जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आती है उसको लगा दिया है, उसके बाद जो घर में जो भी सब्जियाँ थी उनको डाल दिया है काट के पतला पतला स्लाइस में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है शिमला मिर्च, कॉर्न, और क्या बोलते हैं उसे, टमाटर, प्याज, और जो भी घर में सामान था उसी से बनाया है। और यहाँ पे ना वो स्लाइस वाली चीज़ थी, यहाँ पे मेरे पास मोजरेला चीज़ नहीं थी, स्लाइस वाली चीज़ थी, तो उसका लड्डू जैसा बना के उसको ग्रेट कर दिया है। तो ये देखिए कितना कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे भाई जुगाड़ वाला पिज़्ज़ा बन रहा है, तो इसके लिए मेरे पास इसको गर्म करने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे पास कढ़ाई थी तो मैंने उसी में ही पिज़्ज़ा को रख दिया है। उसके नीचे मैंने दो कटोरियाँ रख दी हैं ताकि उसको हीट मिलती रहे और जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। इसको ढक के रख देंगे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए और सब्जियां भी थोड़ी सी कुक हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब जो चीज़ थी ना मेल्ट हो गई है, और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, और ये देखिए कितना यमी यमी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास चिली थी, तो चिली मतलब वैसी कुटी वाली नहीं थी, तो मैंने उसको घर पे ही कूट के डाल दिया है। और ये देखिए फाइनली हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया, और ये देखिए कितना यमी यमी पिज़्ज़ा बना हुआ है। तो चलिए हम लोग पिज़्ज़ा खा लेते हैं। और यहाँ पे हमने दो पिज़्ज़ा बनाए हुए थे, तो एक बन गया है, अभी यहाँ पे दूसरा भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बना है आज रुद्रांश के पापा का, तो वो बोल रहे थे मैं बनाता हूँ पिज़्ज़ा, मैंने कहा ठीक है आप बना देना। तो यहाँ पे हम दोनों ही बना रहे थे, तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा बन गए हैं, तो एक बन गया, अभी इसको खाएंगे, और जब तक एक बनेंगे फिर उसके बाद उसको खाएंगे, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं तो मज़ा नहीं आता है पिज़्ज़ा खाने में। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, रुद्रांश ने भी खूब मज़े लेके लेके पिज़्ज़ा खाया हुआ है। तो यहाँ पर रुद्रांश के पापा भी खूब मज़े लेके खा रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने बनाया तो मज़े लेके तो खाएंगे। तो ये देखिए खाना पीना हो गया, अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे जो सामान था ना मतलब कि धनिया वगैरह खड़ा जो धनिया होता है ना उसको सूखने के लिए डाला था, तो सूख गया है, अभी मुझे उसको पीसना है। तो यहाँ पे देखिए रुद्रांश का क्या काम चल रहा है, मस्ती चलती रहती है बस उसकी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जो इवनिंग में काम चलते हैं मैं बस वही कर रही थी, तो आज ना धूप निकली हुई थी आज के, अभी तो वैसे भी धूप अच्छी निकल रही है, तो मुझे ना धनिया मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको सुबह ना सूखने के लिए डाल दिया था, तो वो थोड़ा सा सूख गया है। चलिए अभी मुझे धनिया भी पीसना है, और पहले तो मैं चाय बनने रख देती हूँ, क्योंकि फरमाइश आई है चाय पीने की रुद्रांश के पापा की, तो पहले चाय रखूँगी बनने के लिए। धनिया भी पीस लेते हैं, तो साथ के साथ मेरे दोनों काम होते रहेंगे, मैं धनिया पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास थोड़ी सी राई भी रखी हुई थी, तो मैंने उसको भी सुखा लिया, क्योंकि वो भी ना थोड़ी ख़राब जैसी हो रही थी, क्योंकि अभी बरसात निकली है, तो बरसात में भी वैसे भी थोड़ा सा सामान ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए धनिया भी मेरा अच्छे से पिस गया है, क्योंकि सुखा लिया था ना मैंने इसको, तो अच्छे से बारीक पिस गया है। और ना जब से रुद्रांश के चाचा गए हुए ना तब से रुद्रांश थोड़ा सा उदास है, क्योंकि चाचा थे तो वो उनके साथ ना मस्ती करता रहता था। गाड़ी ठीक हो रही है, सारा दिन गाड़ी ठीक होती है, गाड़ी को सही करते हैं खराब करते हैं, दोनों काम इन्हीं के रहते हैं। तो ग्रीन बैटरी ब्लू बैटरी देखो दिमाग रिमोट गाड़ी रिमोट गाड़ी देखिए सबने क्यों बोल क्यों बोल नहीं रहा है कोई, सब बोलेंगे, कमेंट करेंगे ना तो सब बोलेंगे, सब आपसे बात करेंगे। ओके कमेंट हाँ,
सब कमेंट्स करेंगे आपको, ठीक है? सब बात करेंगे आपसे, ओके? तब टिप लिखे है। हाँ, सब बात करेंगे आपसे। तब बटल टिप लिखे है लो। बटल। तो चलिए अभी हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 7 बज रहे हैं। तो अभी मुझे बनाना है खाना। मैं अभी चल रही थी रुद्रांश के साथ मस्ती, और यहाँ पे देखिए कौन सा काम चल रहा है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। ये देखिए पेंचकस के साथ क्या काम हो रहा है आपका, ये देखिए खराब हो गया। खराब हो गया? आप ही तो खराब करते हो बाबू। इतनी चला नहीं बेटा, छोटे बच्चे नहीं लेते पेंचकस। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मैंने ना नेक्स्ट डे मतलब कि सामान वॉश कर दिया था, तो सूखा नहीं था। मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी सामान भी सारा सूख गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं उस दिन क्या लेके आई थी मार्केट से। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा आइटम है उसको दिखाती हूँ। तो ये है टेबल जो लेकर आए हुए हैं हम, जो फर्नीचर मार्केट गए हुए थे तो वहाँ से ये टेबल लेके आए हुए हैं। और उसके ऊपर जो पैकेट में सामान रखा हुआ है ना वो लेके आए थे, और ये बाकी का जो राशन पानी का सामान है ना वो लेके आए हुए थे। तो आटा वगैरह रखे हुए हैं, टिशू सोप सारा रखा हुआ है, और ये मॉप लेके आए हुए थे। घर बड़ा है तो टाइम लग जाता है पोछा करने के लिए, तो इसलिए मॉप खरीद लिया है अब। तो मॉप लेके आए हुए थे और बाकी का राशन पानी का सामान लेके आए थे। तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक मिनट पहले मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये लेके आए थे मुरमुरे का पैकेट, तुअर दाल, चना दाल, पोहा, सेवई, मैदा, दो पैकेट मैदा लेके आए हुए थे, दो पैकेट सेवई लेके आए हुए थे। और ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो दो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेके आए हुए थे। तो एक का तो पिज़्ज़ा बन गया है, एक ही बचा है। और रवा, ये बेसन, ये लौंग से, ये बेली, तेज पत्ता, इमली का पैकेट, मखाना, और ये बिस्किट के पैकेट। मेरे घर में पूजा का सामान खत्म हो गया था, तो पूजा का भी लेके आई हूँ, अगरबत्ती, धूप बत्ती, और अभी पूजा के लिए नारियल लेके आई थी। तो ये है पाव भाजी मसाला, और क्या अमचूर पाउडर लेके आए हुए थे, चाट मसाला, गरम मसाला, तो बाकी के वो डिब्बे में डाल दिए हैं। और ये बर्तन मांजने के लिए बूंदी, जूना, प्रसाद का आइटम है ये। तो इसमें मिश्री, एक मैरी, एक और ही नमकीन का पैकेट। बस इतना ही सामान लेके आए हुए थे। और टेबल तो आप लोगों ने देख ही लिया, टेबल के ऊपर जो सामान रखा है ये था। तो यहीं पे ना वॉश करके रख दिया था, तो सारा सामान सूख गया है। इस रूम को कम यूज़ करते हैं, तो सामान भी सारा यहीं रख दिया था धो के, तो वो भी सूख गया है। तो टेबल को अभी तक इसीलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि टेबल को अभी क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं भी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी मुझे ये सामान भी लगाना है किचन में। तो अभी तो थोड़ी सी किचन की सफाई करूँगी, इसके बाद ये सामान किचन में लगाऊँगी, तब तक ये बेड पे ही आराम करेगा ये सामान। तो चलिए मैं भी आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय।